ब्रह्मांड में बहुत से चेंजेस होते रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ एनर्जीज वेरिएशंस आते रहते हैं, कभी कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में भी प्लैनेटरी इफेक्ट्स आते रहते हैं, राइट। और कुछ किसी प्लैनेट का एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है, राइट। तो अभी 1 मई को ट्रांजिट होने वाला है, मींस अभी एज अ लेमैन आप ये समझिए कि देर आर टोटल 9 प्लैनेट्स, राइट, राहु केतु को छोड़ के अगर हम बात करें, दैट इज सन, मार्स, मंगल, देन मून, देन जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी एंड राहु एंड केतु। तो अभी एक पर्टिकुलर प्लैनेट में मेजर शिफ्ट आने वाला है, और वो जो मेजर शिफ्ट है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 1 मई अराउंड 1 PM, ठीक है। और वो जो शिफ्ट आने वाला है वो आने वाला है प्लैनेट जुपिटर का, राइट। अब जो जुपिटर से रिलेटेड जो ट्रांजिट होगा, मींस एक मूवमेंट आएगी, जुपिटर अपनी प्लेसमेंट, एवरी प्लैनेट कीप्स मूविंग, राइट। अभी तक जुपिटर का जो मूवमेंट है वो उसकी वजह से हर 12 से 13 महीने के बाद जुपिटर अपनी जो प्लेसमेंट है वो चेंज करता है, राइट। और इसके अभी तक लास्ट 13 इयर्स में जो इफेक्ट रहे हैं वो रहे हैं चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, शादी रुक गई है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ पर्टिकुलर राशियों पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जुपिटर की एक पॉजिटिव दृष्टि संतान हाउस पे पड़ेगी, बैंक बैलेंस सेकेंड हाउस पे पड़ेगी, फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, फिफ्थ हाउस पे नहीं होगी तो बेबी होने में प्रॉब्लम्स होंगे, चाइल्ड बर्थ में इश्यूज होंगे, आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, मे बी आप IVF करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, या फिर किसी भी तरह की रीज़न से शादी रुकी हुई है, एंगेजमेंट हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही, या फिर आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल बट स्टिल वो स्टक है, ऐसा लग रहा है कि हम कितना ट्राई कर रहे हैं बट वो हो नहीं रहा। सो अब कुछ राशियों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, ये कब से आएगा, 1 मई 2024 1 PM। सो हर इंसान की राशि पे, हर 12 राशियों पे ये अलग इफेक्ट देने वाला है। और आज जिस राशि पे मैं बात करूँगी, मैं सिर्फ 4 राशियों के बारे में बात करूँगी, राइट, मेष, वृश्चिक, मिथुन एंड कर्क। अब पिछले 11-12 महीनों से जो जुपिटर थे वो मेष राशि में थे, मेष राशि में होते हुए उनके ऊपर शनि की नीच दृष्टि आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत से नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे लोगों की लाइफ में, प्रमोशंस रुके हुए हैं, बिजनेस में हर्डल आ गया, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि थी। अब वैसे तो गुरु मेष राशि में अच्छे हैं, लेकिन मेष राशि में होते हुए अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि के ऊपर पड़ रही थी, राइट। तो अब आज हम जानेंगे कि वृषभ राशि में अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं तो बृहस्पति क्या रिजल्ट देने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ओके, सब लोगों को, बिफोर आई स्टार्ट, क्या सब लोगों को अपनी राशि पता है, जस्ट टाइप, अपनी राशि लिखे जिन लोगों को अपनी राशि पता है, सो आई एम जस्ट वेटिंग, कितने लोगों को अपनी राशि पता है। अब राशि भी एक होती है चंद्र राशि, राइट, टाइप योर राशि, ओके, मेष राशि, ठीक है, वर्गो। अब यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, कई बार कुछ लोगों को अपना सन साइन पता होता है, एक्चुअल में लग्न राशि नहीं पता होती, राइट। तो जिन लोगों को अपना, सिर्फ आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा मंथ इस मंथ में बर्थडे आता है तो मैं लिंडा गुडमैन की जो उसमें जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली, सो प्लीज़ जिन लोगों को अपना सन साइन पता है प्लीज़ डोंट टाइप, राइट। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ चंद्र कुंडली की बात कर रही हूँ, जैसे जब हम जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें चंद्र कुंडली पे बात किया जाता है, और उसमें जो आपका लग्न में ग्रह होता है, लग्न में जो लॉर्ड होता है उसकी राशि के बेस पे, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी राशि नहीं पता है और वो जो बात मैं बोल रही हूँ उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए आपको, जिन लोगों को अपनी राशि पता है उन लोगों के लिए ये बहुत सक्सेसफुल है। अब 1 मई से स्टार्ट होकर
14 मई 2025 तक जो जुपिटर है वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट आएंगे, राइट? अब ये पूरे जो सिनेरियो में चेंजेस, जो शिफ्ट आने वाले हैं, ये शिफ्ट रहेगा 14 मई 2024 तक। ठीक है, इट्स गोइंग टू एंटर एट 1 PM इन वृषभ राशि इन टॉरस। ठीक है, इसमें फेब तक जो रहेगा उसमें वक्री का रिजल्ट आएगा। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? बट मैं यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँगी, राइट? लेट्स टॉक अबाउट मेष राशि, राइट? मेष राशि में सेकेंड हाउस में बृहस्पति जा रहे हैं। अब क्या है, भाग्य के मालिक हैं और प्लस यहाँ पर 12वें घर के मालिक भी बृहस्पति होते हैं। सेकेंड हाउस में जाने से एक मिक्स सा हमें रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। मेष राशि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले इनकम बढ़ने वाली है, बट इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ने वाले हैं। सो बी केयरफुल, पैसा आएगा लेकिन उसको टिकना है, उसको रोकना है। अगर आप उसमें से कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आज आपको जो बता रही हूँ इससे आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे पैसे को सेव करने में। तो भाग्येश है इसलिए धन आएगा, और सेकेंड हाउस भी उसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो इसलिए धन आएगा, बट उस पैसे को आपको ध्यान से संभाल के रखना है। उपाय भी बताऊंगी कि पर्टिकुलरली आपको उपाय क्या करना है, बट धन भाव में भी आ रहा है, मीन्स सेकेंड हाउस में आ रहा है, प्लस उसकी जो दृष्टि है वो फिफ्थ हाउस पे भी जा रही है। तो चेंजेस क्या आने हैं, गुड इनकम, गुड सोर्स ऑफ इनकम, बट मोर एक्सपेंसेस, प्लस जहाँ पर कहीं पर रुकावट आ रही थी, आप बेबी के लिए प्लान कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो वो मेष राशि वाले लोग इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अ गुड न्यूज़। प्लस जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे थे और क्लियर नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि फिफ्थ हाउस पे भी आ रही है, उसकी वजह से एजुकेशन, लर्निंग्स, नॉलेज, इन सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या कोई अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं, सो जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट? और वर्क प्लेस पे भी करियर में प्रमोशन मिल सकता है। तो मेष राशि के लिए ओवरऑल बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो अच्छा होने वाला है, राइट? अब करते हैं इसमें रेमिडीज की बात, कि किसी भी तरह की अगर आप सिचुएशंस लाइक मनी इज गोइंग टू कम, चेंजेस तो हो गए हैं, पॉजिटिव चेंजेस को उसकी ओवरऑल उसका हमें बेनिफिट कैसे लेना है, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू द रेमिडीज। अब रेमिडीज क्या हैं, सबसे पहली रेमिडी कि आपको गाय को चने की दाल खिलानी है। जिन लोगों की मेष राशि है उनको गाय को चने की दाल खिलानी है, राइट? फिर केसर का तिलक लगाना है माथे पे और नाभि पे, बिल्कुल नेवल के सेंटर में केसर का तिलक लगाना है। नेक्स्ट थिंग, दूध में हल्दी डालकर आपको पीनी है, डेली मॉर्निंग में दूध में हल्दी डालकर पिए, तो ये जो बृहस्पति आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है वो और इन्हांस होके उसकी आप एक्चुअल में अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे, राइट? नाउ द सेकेंड राशि दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज वृषभ, दैट इज टॉरस, राइट? अब वृषभ राशि में क्या होगा, पिछले सवा साल या एक साल से लेके लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 13 अप्रैल 23 से सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हुई हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए खर्चे बहुत हुए हैं। किसी भी तरह की लाइक जो भी एक्सपेंसेस, कितनी भी इनकम, कितना भी मेहनत करके आप पैसा ला रहे हैं, वो आपका हमेशा खर्चा होता रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए अभी जुपिटर का ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है, राइट? सो जुपिटर वृषभ राशि में जब यहाँ पर आए हैं तो क्या इफेक्ट आने वाला है वृषभ राशि को लेकर, अगर हम बात करें तो इट्स गोइंग टू बी गुड ओनली। ठीक है, लग्न में गुरु होना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, 6-8-10 महीने तक ओवरऑल ये चाइल्ड बर्थ का योग बना रहेगा,
कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड किसी कितने भी मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें भी एक अच्छा इफेक्ट आएगा। हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, धार्मिक और लाइक क्योंकि भाग्य स्थान पर उसकी दृष्टि आ रही है तो ओवरऑल लक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। बहुत फॉर्चुनेट पीरियड शुरू हो चुका है नेक्स्ट 11 टू 12 मंथ्स के लिए, राइट। हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे। अगर आप किसी भी तरह से अगर आपने ट्राई कर रहे थे कि मुझे अपने लिए लाइक कोई फिजिकल एफर्ट नहीं डल पा रहा था, ठीक है, आप चाह रहे थे, आपको पता है कि आपका वेट गेन हो रहा है बट आप किसी भी तरह से उसके ऊपर एफर्ट नहीं डाल पा रहे, लेकिन अब फर्स्ट वीक के बाद वृषभ राशि वाले जो भी टारगेट सेट करेंगे दे विल बी एबल टू फुलफिल दैट। एंड अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे वो ठीक होने लगेंगे, शादी रुकी हुई थी तो उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, राइट। अब इन्हीं रिजल्ट्स को और बेटर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उपाय हैं फॉर टॉरस वृषभ राशि। पीली दाल और हल्दी एंड केला आपको मंदिर में दान देना है। पीली दाल जब मैं बोल रही हूँ तो दैट इज़ चने की दाल, चना दाल सूखी दे सकते हैं, हल्दी की साबुत गांठें दे सकते हैं और केले मंदिर में दान देने हैं। प्लस वृषभ राशि वालों को एक गोल्ड की रिंग पहननी है, वियर ओ गोल्ड रिंग, जिससे आपको ये जुपिटर ट्रांजिट के मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू टाइप द राशि। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है टाइप नो, राइट। सो नेक्स्ट लाइव में मैं किसी एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेके आई विल ट्राई कि मैं एक दो के लिए उनकी राशि बता दूँ, सो दैट अगर वो ये लाइव देखें तो उन्हें एटलीस्ट समझ में आ पाए कि मुझे अपने लिए कौन सी राशि का रिजल्ट देखने हैं, राइट। सो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन इज जेमिनी। एनीबडी जेमिनी, ओके विकास, ओके आप मिथुन लिख सकते हैं, जेमिनी ओके कार्तिक जेमिनी, राइट। ठीक है, सो मिथुन राशि वालों के लिए जो मेजर इश्यूज आने वाले हैं, थोड़ा सा करियर प्लेस पे, वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो किसी भी तरह अगर आपको कहीं माइंड में आपके चल रहा है कि मुझे अब ये जॉब स्विच कर लेनी चाहिए तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये सोच के कि मैं ये छोटी सी बात बोलूँगा और ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इससे ब्लंडर हो जाएगा, इट्स बेटर टू बी क्वाइट, हैंडल एवरीथिंग वेरी पेशेंटली। और एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ में जिन लोगों के पास कोई अब्रॉड जाने के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अभी जॉब स्विच करना नहीं है, लेकिन अगर वही अपॉर्चुनिटी आपको फॉरेन से आ रही है, अब्रॉड से आ रही है, जस्ट गो फॉर इट। MNC ज्वाइन कर सकते हैं या यही कंट्री में रह के आप किसी ऐसी कंसर्न में MNC में जॉब कर रहे हैं, वो ऑप्शन भी आपके लिए बेटर हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, राइट। सो बी ओपन टू दिस। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप ये सोचो अरे इतनी दूर कौन जाएगा, वहाँ पे पर्क्स क्या मिलेंगे, क्या होगा, बट दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। सिर्फ एक ही पॉइंट से मिथुन राशि वालों के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, सो डोंट मिस दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर फादर, राइट। अब क्योंकि करियर में चैलेंजेस आएंगे, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तो ऑफकोर्स रेमेडी तो बनती है। तो क्या करना है आपको, गौशाला जाकर गाय को गुड़ खिलाना है, राइट। गौशाला जाकर आपको गाय को गुड़ खिलाना है, प्लस हल्दी, पानी में हल्दी डालकर सूर्य को जल देना है जेमिनी को, राइट। देन गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह का जैसे वो ताबीज या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है ना, और यहाँ पर ऐसे करके विभूति लगाते हैं, ये सब आपको अवॉइड करना है। और हो सके तो नॉनवेज भी आप अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मेजर आ रहे हैं सिचुएशन में चैलेंजेस, तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो नाउ आई एम अगेन वेटिंग फॉर यू टू राइट वन मोर राशि। कर्क जिनकी राशि है वो सब लिखेंगे। एंड जिन भी लोगों को अपनी राशि के बारे में नहीं पता है, यू कैन टाइप नो, राइट। सो आज मैं सिर्फ चार राशियों के बारे में बात करने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट। सन साइन, ओके कर्क, ठीक है, हितेश इज कर्क राशि। टॉरस का मैं बोल चुकी हूँ, राइट। लियो का आएगा नेक्स्ट लाइफ में, करेंगे लियो के लिए, ओके ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस। सो ओवरऑल जब मैं बात कर रही हूँ तो जो जुपिटर है, जुपिटर किसका कारक है, जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है, मैरिज का कारक है। मींस जुपिटर की दृष्टि पड़े बिना चाइल्ड बर्थ पॉसिबल नहीं होता है। जुपिटर की अच्छी
पॉजिटिव दृष्टि से ही शादी की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, ठीक है, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की स्टडीज़, इन सब चीज़ों से इफेक्ट होती हैं। तो अब जब जुपिटर का ही ट्रांजिट हो रहा है तो इन्हीं चार पांच चीज़ों के बारे में बात होती रहेगी। तो जुपिटर जब ट्रांजिट हो रहा है तो कर्क राशि पे क्या इफेक्ट आएगा? कर्क राशि पे जो इफेक्ट आएगा दैट इज़ गुड फॉर चाइल्ड बर्थ। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनका कोई काम स्टक हुआ है तो वो अब वो हो जाएगा। मे बी आपके बच्चों का एडमिशन हायर एजुकेशन में जाना, या फिर आप खुद अगर हायर एजुकेशन में हैं तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें सक्सेस मिलेगा। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो भी, फैमिली प्लानिंग में भी ये आगे के 11-12 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट, इट्स गुड फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट इज मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, किसी भी तरह की रिप्स चल रही थी, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे ग्रहों की दृष्टि आ रही है कर्क राशि पे, अच्छे घर में बैठे हैं, इसकी वजह से फाइनेंसिस आर ऑल्सो गोइंग टू बी गुड। और अगर जिन पेरेंट्स के बच्चों को बीमार होते हुए, लाइक घर में कोई बीमार है या बच्चे बीमार हैं स्पेशली, तो उनसे रिलेटेड अब आपके बच्चों की हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आते चले जाएंगे। सो राइट ट्रीटमेंट मिलने लगेगा, यू विल बी एबल टू रीच सुटेबल डॉक्टर। सो ओवरऑल कर्क राशि के लिए ये पूरा साल जुपिटर की ट्रांसिट की वजह से बहुत अच्छा होने वाला है, मीन्स 1 मई टू 14 मई तक, राइट। अब इसमें जहाँ पर भी कोई मेन इशू अभी तक की जो पिछले 11 साल की कोई नेगेटिविटी से अभी भी अगर आप इफेक्टेड हैं तो आपको उपाय क्या करने हैं, राइट, रेमेडीज आपको करनी है, शिव उपासना करनी है, ठीक है, और सात्विक आहार लेना है, बी सात्विक, देन गौशाला में जाकर आपको गाय को पीली दाल खिलानी है। अब पीली दाल कैसे खिलाएंगे, आप उसको बुधवार की रात को भिगो लेंगे और थर्सडे मॉर्निंग में जाकर वो भीगी हुई दाल आपको गाय को खिलानी है, ठीक है। शिव जी को जल चढ़ाना है और फादर की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आज मैंने चार राशियों की बात करी है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। अगेन क्योंकि ये जुपिटर ट्रांजिट 1 मई से स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट 11 टू 12 मंथ्स तक रहने वाला है, अगली चार राशियों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लाइव पे बात करेंगे।